नारद जी से धृतराष्ट्र आदि की मृत्यु का हाल जानकर युधिष्ठिर आदि का शोक और उन तीनों के अंत्येष्टि कर्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों को तपोवन से लौटकर आए जब 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तो एक दिन देवऋषि नारद राजा युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की और जब वे आसन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर चुके, तो उन्होंने कहा, भगवन, इधर बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे। कुशल तो है ना? इस समय आप किन-किन देशों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं? बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कहना सत्य है। इधर बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है। इस समय मैं तपोवन से आ रहा हूँ। रास्ते में भगवती गंगा तथा अनेकों तीर्थों का भी दर्शन करता आया हूँ। युधिष्ठिर बोले, भगवन, गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि धृतराष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। क्या आपने भी उन्हें देखा है? वे कुशल पूर्वक तो है ना? गांधारी, कुंती, संजय तथा मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र इस समय कैसे रहते हैं? ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, महाराज, मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है, वह सारा वृत्तांत ठीक-ठीक बतला रहा हूँ। तुम स्थिर चित्त होकर सुनो। जब तुम लोग वन से लौट आए, तो तुम्हारे पिताजी गांधारी और वधु कुंती के साथ गंगा द्वार को चले गए। वहां पहुंचकर तुम्हारे पिता ने तीव्र तपस्या आरंभ की। वे मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते और मौन रहते थे। उस वन में जितने ऋषि थे, वे सब लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे। उनके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। इस प्रकार उन्होंने 6 महीने व्यतीत किए। गांधारी केवल जल पीकर रहने लगी। कुंती देवी 1 महीने तक उपवास करके 1 दिन भोजन करती थी और संजय 6ठे समय अर्थात 2 दिन उपवास करके 3रे दिन संध्या को आहार ग्रहण करते थे। राजा धृतराष्ट्र कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। अब उनका कोई नियत स्थान नहीं रह गया था। वे वन में चारों ओर विचरते रहते थे। गांधारी और कुंती ये दोनों देवियां साथ साथ रहकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे फिरती थी। संजय भी उन्हीं का अनुसरण करते थे। एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र गंगा के कछार में घूम रहे थे। उन्होंने गंगा जी के जल में प्रवेश करके डुबकी लगाई और वहां से पुनः वे आश्रम की ओर चल दिए। इसी समय बड़े जोर की हवा चली, जिससे उस वन में भयंकर दावा अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सारा जंगल सब ओर से धाएं-धाएं करके जलने लगा। मृगों के झुंड झुलसने लगे और बनैले सुअर भाग-भाग कर जलाशयों में छिपने लगे। समस्त वन आग से घिर गया और उन लोगों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। तो भी राजा धृतराष्ट्र उपवास करने से प्राण शक्ति क्षीण हो जाने के कारण भाग न सके। तुम्हारी दोनों माताएं भी भागने में असमर्थ थी। उस समय आग को निकट आती देख राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी से कहा, संजय, तुम किसी ऐसे स्थान पर भाग जाओ जहां यह दावा अग्नि तुम्हें जला न सके। हम लोग तो अब यही अपने को अग्नि में होम कर परम गति प्राप्त करेंगे। उनकी बात सुनकर संजय घबरा उठे और बोले, महाराज, इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है, किंतु इस समय इस दावानल से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। संजय के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने फिर कहा, संजय,
हम लोग स्वेच्छा से गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके चले आए हैं, अतः हमारे लिए इस तरह की मृत्यु अनिष्टकारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि या वायु के संयोग से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए प्रशंसनीय माना गया है, इसलिए तुम अब यहां से शीघ्र चले जाओ, विलंब न करो। यह कहकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने मन को एकाग्र किया और गांधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। उन्हें उस अवस्था में देख संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा, महाराज अब अपने को योग युक्त कीजिए। राजा ने उनके कथना अनुसार समाधि लगा ली। वे इंद्रियों को रोककर काष्ठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। इसके बाद देवी गांधारी, तुम्हारी माता कुंती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा धृतराष्ट्र, ये तीनों ही दावा अग्नि में जलकर भस्म हो गए, किंतु संजय के प्राण बच गए हैं। मैंने उन्हें गंगा के तट पर तपस्वियों से घिरे हुए देखा था। उन्होंने उन तपस्वियों को बुलाकर यह सारा समाचार निवेदन किया और स्वयं वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए। इस प्रकार महामना धृतराष्ट्र और तुम्हारी दोनों माताओं की मृत्यु हुई है। वन में घूमते समय अकस्मात उन तीनों के मृत शरीर मेरी दृष्टि में भी पड़े थे। तत्पश्चात राजा की इस तरह मृत्यु होने का वृत्तांत सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवन में एकत्रित हुए, किंतु किसी ने उनके लिए शोक नहीं किया। युधिष्ठिर, वहां जाने पर मैंने राजा और उन दोनों देवियों के दग्ध होने का समाचार सुना है। इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने स्वेच्छा से ही दावा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दी है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के परलोक गमन का यह वृत्तांत सुनकर महात्मा पांडवों को बड़ा शोक हुआ और उनके अंतःपुर में उस समय महान हाहाकार मच गया। सब लोग फूट-फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर में रोने की आवाज जब शांत हुई तो धर्मराज अपने आंसू पोंछकर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे, ब्रह्मन, हम लोगों के जीते जी कठोर तपस्या में लगे हुए महात्मा धृतराष्ट्र की वन में यों अनाथ की सी मृत्यु हुई, यह कितने दुख की बात है। मुझे गांधारी के लिए उतना शोक नहीं है, क्योंकि वे पातिव्रत का पालन करके अपने पति के लोक में गई है। मैं तो उन माता कुंती को याद करके शोक समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रों का समृद्धिशाली ऐश्वर्य त्याग कर वन में रहना पसंद किया था। उस महान वन में मंत्रों से पवित्र किए हुए आहवनीय आदि अग्नियों के रहते हुए मेरे पिता का दाह लौकिक अग्नि से क्यों हुआ? नारद जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र का दाह लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वायु पीकर रहने वाले वे राजऋषि जब गंगा तीरवर्ती तपोवन में प्रवेश करने लगे, तो उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टि कराने के अनंतर आहवनीय आदि अग्नियों को वहीं त्याग दिया था। उनके याजक गण उन अग्नियों को निर्जन वन में रखकर इच्छा अनुसार अपने-अपने स्थान को चले गए। तपस्वियों का कहना है कि उसी अग्नि के बढ़ जाने से उस वन में आग लगी थी और जैसा कि मैंने पहले बतलाया है, वे गंगा के तट पर अपने उसी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का अपने द्वारा स्थापित वैदिक अग्नि से ही दाह हुआ है और वे परम गति को प्राप्त हुए हैं। गुरुजनों की सेवा करने से तुम्हारी माता ने भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए तुम इनके लिए शोक न करो। अब तुम अपने सभी भाइयों के साथ जाकर उन तीनों को जलांजलि दो। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकलकर गंगा तट पर गए। नगर और प्रांत की प्रजा भी
राजभक्ति से प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किए गंगा जी के समीप गई। फिर सबने जल में स्नान किया और युयुत्सु को आगे करके उन्होंने महात्मा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती देवी को उनके पृथक-पृथक नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि दी। युधिष्ठिर ने जहां राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे, उस स्थान पर भी विधि विधान के जानने वाले विश्वासपात्र मनुष्यों को भेजा और वहीं हर द्वार में उनके श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देकर उन्हें दान में देने योग्य नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पण की। शौच संपादन के लिए दशाह आदि कर्म कर लेने के पश्चात युधिष्ठिर ने 12वें दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के पृथक-पृथक नाम लेकर उनके लिए उत्तम-उत्तम वस्तुएं दान की। उस समय जो जिस वस्तु की जितनी मात्रा में इच्छा करता, उसको वह वस्तु उतनी ही मात्रा में प्राप्त होती थी। राजा युधिष्ठिर ने अपनी दोनों माताओं के उद्देश्य से शैया, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन और वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी। इस प्रकार अनेकों बार श्राद्ध का दान देकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जो लोग हर द्वार में भेजे गए थे, उन्होंने भी राजा की आज्ञा के अनुसार श्राद्ध किया और तीनों की हड्डियों को एकत्रित करके भांति-भांति के फूलों और चंदनों से उनकी पूजा की और फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर में लौटकर उन्होंने यह सब समाचार राजा को कह सुनाया। देवऋषि नारद जी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने अपने जाति भाई, संबंधी, मित्र, बंधु और स्वजनों के निमित्त दान देते हुए 15 वर्ष हस्तिनापुर में व्यतीत किए थे और 3 वर्ष वन में तपस्या करते हुए बिताए थे।